अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये कुड्स हीटर है जो कि जैकपोर्ट का JP360 इसका मॉडल नंबर है। ये बहुत ही आउट क्लास का हीटर है। इसके अंदर जो है ना 10 रॉड्स लगी हुई हैं। ये कुड्स रॉड जो होती है, ये कुड्स जो है ना एक ग्लास है, और इसकी क्वालिटी ये है कि ये कम यानी कि आपके वोल्टेज और कम वाट्स लेगा। कम वाट्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा यानी कि एनर्जी देगा और एक्स्ट्रा हीटिंग देगा। तो इसके अंदर ये एक क्वालिटी है कुड्स ट्यूब के अंदर। आम जो हीटर होता है वो आपको पता है एलिमेंट्स के ऊपर, तार के ऊपर बना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि लोड लेता है, काफ़ी वाट लेता है, तो उस वजह से हमारी घर की जो वायरिंग है वो भी जल जाती है या ख़राब हो जाती है, डैमेजेस हो जाती हैं। तो इसके हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो क्या क्या है हीटर के अंदर, और किस तरह का हीटर है, किस तरह इसको ऑपरेट करना है। और इसमें मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छा है, मैंने बेचे भी हैं और यूज़ भी किया है मैंने, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर। ये एक इसकी यूज़र गाइड है, यूज़र गाइड के अंदर सारी चीज़ें जो है मेंशन है कि किस तरह आपने यूज़ करना है, सिंपल चीज़ें, इसमें कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये टोटल जो है ना पावर इसका है वो 2800 वाट है, 280 वाट की एक इसमें रॉड लगी हुई, 10 रॉड है टोटल इसके अंदर है हीटर के अंदर। ये अभी हम हीटर को निकालते हैं कि इसके अंदर देखते हैं कि और किस तरह का है इसका व्यू। इसकी जाली थोड़ी सी नाजुक है ये हमें मानना पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक के अंदर नहीं है। नॉर्मली जो फैन हीटर वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के अंदर होते हैं, तो प्लास्टिक के अंदर होने का उनका नुकसान ये होता है कि बाजू का जो है ना वो जल जाते हैं, प्लास्टिक जो है पिघल जाते हैं, पिघलने के बाद प्लास्टिक को आग भी लग जाती है। उस प्लास्टिक की आग की वजह से, हीटर की आग की वजह से घर को भी जो है ना वो आग लग सकती है, ये उसका यानी कि नुकसान है। ये देखिए इसमें हर साइड के ऊपर जो है ना 2 रॉड्स हैं, जो है ना 4 टायर लगे हुए, ये आपने इजी इंस्टॉल है, इनको आप सिर्फ जो है ना इस तरह करके आपने पुश करना है कि ये इसके अंदर लग जाएंगे, इस तरह सिर्फ इसके अंदर पुश करना है आपने। और इसके अंदर मेन चीज़ जो है ना ये एक स्विच है, ये सेफ्टी स्विच है। सेफ्टी स्विच का मकसद ये होता है कि यहाँ पर आप लगा के इसको आप स्क्रू से टाइट कर लें। सेफ्टी स्विच का मकसद ये होता है कि जब आप हीटर को ऑन करते हैं कि अगर मसलन आप रात को सो गए, बिल्ली वगैरह आई या और कोई चीज़ इस तरह की, या आपकी टांग लग गई अंधेरे के अंदर हीटर को, तो हीटर गिर सकता है, गिरने से जो है ना आग लग सकती है, इसका खतरा जो है ना बढ़ जाता है। तो उसके लिए सेफ्टी बटन दिया गया है कि इसको जब ये हीटर गिरेगा तो इसका स्विच जो है ना वो ऑटोमेटिक, ये देखें ये स्विच है, जब इसको पुश करेंगे तो ये चलेगा, हीटर ऑन रहेगा, अगर इसको आप पुश को छोड़ देंगे तो ये जो है हीटर इसका ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही इसको रखते हैं, रखने के बाद ये देखें पुश हो रहा है, जैसे इसको ज़मीन पर रख रहे हैं तो ये पुश हो रहा है, पुश होने के बाद हीटर ऑन हो जाता है। तो जब हम इसको उठाएंगे या गिराएंगे तो हीटर जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अभी हम इसको पावर देते हैं, पावर देने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर, मैं अभी UPS लगा हुआ है, लाइट मेरे पास नहीं आ रही है तो मैं UPS भी ट्राई कर लेता हूँ इसको। ये देखिए UPS लगा हुआ है, UPS के अंदर जो है इनपुट जो है वो नहीं आ रहा है, आउटपुट जो है ना टूट दे रहा है। इनपुट आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से बात की तो इनपुट किसमें शो करना है, तो अब आप देखते हैं कि इसके अंदर, अब हम देखते हैं कि इसका पावर, अब इसको ऑन किया मैंने, ऑन करने के बाद इसका बटन जो है ना हर साइड के अंदर जो 2 रॉड्स लगी हुई हैं, टॉप पे भी 2 रॉड्स लगी हुई हैं, और इसमें किसी भी साइड की हम मसलन इस साइड की हम 1-2 रॉड्स को ऑन कर लेते हैं, इसमें विद इन 10 और 15 सेकंड्स के अंदर जो है ना ये रॉड्स आपको हीटिंग शो कर देगी। बटन ऑन है, स्विच ऑन है, जी स्विच ऑन है, जी हीटिंग्स आ रही है। अब कुछ ही देर के बाद ये रॉड जो है ना वो रेड हो जाएगी, तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है ना चल गया है। अब इसका पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने के बाद देखते हैं कि ये देखिए पावर ऑन हो गया, वहां स्विच ऑन हो गया, इस स्विच को ऑन करते हैं इस एक साइड को। तो आप अलग अलग साइड को ऑपरेट कर सकते हैं, आपने आप अपने हिसाब से देख रहे हैं कितनी आपको नीड है हीट पैसेज के ऊपर। अगर आपका रूम का साइज जो है ना काफी बड़ा है तो आप सारी साइड इसको ऑन कर सकते हैं, आपने मच कचारी करनी है तो सेंटर में रख के आप चेयर पे बैठे हुए तो आप इसको चारों तरफ से ऑन करके चला सकते हैं। ये देखिए एक साइड हमने ऑन किया, हीटिंग्स जो है इससे शो कर दिए, अभी हम यहाँ से देखें इसका पावर ऑन करते हैं, यहाँ स्विच ये अभी ऑफ है तो इसको हम जब ऑन करेंगे तो ये देखना अभी इसको हम ऑन कर रहे हैं, ये विद इन 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स के अंदर जो है ये रॉड्स जो है ना वो रेड हो जाएंगी, आपको ये हीटिंग्स जो है ना शो, ये देखिए शो होने लगी हीटिंग्स, मुझे बिल्कुल फील हो रही है हीटिंग्स, हीटिंग फील हो रही है, और ये देखिए रॉड्स जो है ना रेड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये ट्यूब्स हैं बेसिकली, ये आम जो एलिमेंट रॉड होते हैं विद इन सेकंड जो रेड होते हैं वो पावर बहुत ज़्यादा लेती है, वो आयरन जितना जो है ना वो 1000 वाट या 1200 या 1500 या साढ़े मिनिमम जो आती है 750 वाट में आती है। तो इसकी एक रॉड की जो है ना वो कंजप्शन है 280 वाट, 10 रॉड इसके अंदर टोटल लगी हुई है, सारी रॉड सारी साइड्स की जो ना अलग अलग स्विचेज हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त हीटर है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ से भी लें ये वाला मॉडल लें, JP360
जैकपॉट ने बहुत ज़बरदस्त ये लॉन्च किया है, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अरे